और चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी के प्रयागराज दौरे की। प्रयागराज को देने वाले हैं 600 करोड़ की सौगात। 12:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी। कई योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास भी होना है। रोजगार मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटेंगे, स्मार्टफोन देंगे। फूलपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। फूलपुर सीट पर होना है उपचुनाव। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं सीएम योगी। इसके अलावा महाकुंभ 2025 के काम की समीक्षा भी करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा है आज सीएम योगी का, क्योंकि फूलपुर में उपचुनाव भी होना है। इस सीट को जीतने के लिए पूरी जद्दोजहद तमाम पार्टियां कर रही हैं और सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है 10 सीटों पर जहां उपचुनाव होना है। लगातार सीएम योगी का दौरा चल रहा है और इसके अलावा सौगातों का भी पिटारा खुला है। आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं, 600 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे, स्मार्टफोन देंगे और इसके अलावा टैबलेट भी बांटेंगे। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। गुफरान, आज पहुंच रहे हैं सीएम योगी प्रयागराज, कितने बजे पहुंचेंगे, क्या तैयारियां और कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी का आज का जो दौरा है वो महत्वपूर्ण है। प्रयागराज के फूलपुर इलाके में ये पूरा जो कार्यक्रम है वो आयोजन किया गया है। रोजगार मेले के तहत करीब 2000 से ज्यादा जो है जो बेरोजगार है उनको अलग अलग कंपनियों से नियुक्ति पत्र जो है सीएम योगी अपने हाथों से देंगे। इसके साथ साथ करीब 15,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो स्टूडेंट हैं जिनको टैबलेट और स्मार्टफोन भी दिया जाना है। इसके साथ ही अगर बात करें तो सीएम योगी इस चुनाव को लेकर के भी एक जो समीक्षा बैठक है वो भी करेंगे। साथ ही करीब 637 करोड़ की 400 से ज्यादा की जो परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। जो अधिकतर योजनाएं हैं वो फूलपुर विधानसभा सीट से जुड़ी होंगी, तो सीधे इसके सियासी जो मायने हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। और अब से कुछ दिनों बाद ही फूलपुर में उपचुनाव होना है विधानसभा का, तो इतिहास से ये क्षेत्र बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और सीएम योगी ने जब खुद का कमान अपने हाथों में ली हो तो आप इसके मायने का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल तैयारियां जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर बात करें तो मुकम्मल की गई है। 1300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर मैनेजमेंट को लेकर के भी अलग से टीमें तैनात रहेंगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद गुफरान ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।